खिलाड़ी के 8 माह के लंबे समय के बाद पटना सिटी के चौक स्थित मनोज कमालिया स्टेडियम में सिटी एथलेटिक्स क्लब के द्वारा फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसको लेकर पटना सिटी के खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर नामचीन हस्ती बिहार के प्रख्यात प्लेयर समेत चौक थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं इस फुटबॉल मैच में PYFC टीम और OM11 टीम के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। दोनों टीम के बीच कड़ी टक्कर के बाद OM11 टीम ने जीत हासिल की, जहां क्लब की ओर से विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। साथ ही जीतने वाले OM11 टीम को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। स्वर्ण के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। इसके बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। एक हमारे छोटे भाई राजीव बुहार और जूनियर अजय ने ऐसे ही वार्तालाप किया कि भैया मैच करवाना है। हम लोग मिलजुल करके एक मैच कराने का 7 साइड मैच 12 टीम लेकर के एक टूर्नामेंट कराया, जो नॉकआउट सिस्टम रहा, जिसके फाइनल में ओम पटना 11 और सिटी एथलेटिक क्लब दोनों टीमें पहुंची। आज का फाइनल मैच ओम 11 2-1 से सिटी एथलेटिक क्लब जीत गई और एक प्रदर्शनी मैच में हम लोग ने PYFC की टीम दोनों टीमों को खिला करके ट्राई ब्रेकर में दोनों टीम ड्रॉ हो गई। सडन डेथ के दौरान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में अमित कुमार रस्तोगी, केशव प्रसाद, नंदकिशोर प्रसाद और थाना इंचार्ज। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंस का गवर्नमेंट के अनुसार ओम 11 और सिटी एथलेटिक क्लब के बीच मैच थी, इसमें टाइब्रेकर का सहारा लिया गया। दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं कर पाया निर्धारित समय में, जिसमें ओम यादव 11 ने सिटी एथलेटिक क्लब को 2-1 से पराजित किया। क्या नाम है? अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर।